27 और 28 तारीख को नजफगढ़ स्टेडियम में एक चैंपियनशिप है जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो चैंपियनशिप है केवल इतना नहीं है, यहाँ पर कितने मजबूत मजबूत खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकले हैं या फिर कितने मजबूत यहाँ से निकलने वाले हैं, ये एक बड़ा विषय है। अभी मेरे साथ नीतिका है, नीतिका अपने बारे में खुद बताएंगी, मैं केवल इनका नाम जानता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा सा मुझे बताया था कुश्ती के बारे में, मेरा ज्ञान शून्य है। नीतिका खुद अपने बारे में बता रहे हैं। नीतिका क्या क्या लड़ा अभी? मैंने अभी अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप लड़ा था, चाइनीज टाइपे में हुआ था जहाँ पर मेरा सिल्वर मेडल आया, और अभी 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 जुलाई में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई थी सब जूनियर के लिए बुदापेस्ट में, बट वहाँ पर मेरी सेमीफाइनल में मेरे को इंजरी हो गई तो मैं कोई मेडल के साथ नहीं आ पाई। सिल्वर मेडल मिला नीतिका को। अब मेरे पास करण भी है, लेकिन नीतिका कहाँ के रहने वाले हो आप? वैसे तो हरियाणा से हूँ लेकिन बचपन से दिल्ली में ही रह रही हूँ। ठीक है, जो नए पहलवान बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ भी, एक मैसेज, कुछ भी मैसेज। बस मन लगाकर मेहनत करना है और काम चोरी नहीं करना, अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना, और जो कोच बताए वो अपनी पूरी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेंट्रेशन से करना है, काम चोरी नहीं करनी है, और पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलना है, और मेहनत से प्रैक्टिस करनी है, लड़ना है। नीतिका एक सेकंड, मैं करण से बात करता हूँ। करण है हमारे साथ अभी। करण ने तो टी शर्ट पहनी है भाई, मजबूत बाजू आपको दिखती है, मैंने अभी करण को बोला भी था। करण क्या क्या लड़ा? मैंने जी वो हर कंपटीशन लड़ाया जो होता है, जैसे कैडेट से लेके जूनियर से लेके सीनियर तक हर कंपटीशन लड़ाया है जी, और हर मैंने मतलब हर कंपटीशन में मैंने मेडल भी दिया है जी। मैं और अब आगे की तैयारी कर रहा हूँ, आगे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और कई गेम एशियन गेम्स कई चीज़ें आ रही हैं तो उनकी तैयारी में लगा। इंटरनेशनल अभी कोच साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे, तो इंटरनेशनल कौन कौन सी चैंपियनशिप आपने? इंटरनेशनल सीनियर एशिया लड़ा है, सीनियर एशिया में ब्रॉन्ज है, सीनियर वर्ल्ड लड़ा है, जूनियर एशिया लड़े है दो बार, जूनियर वर्ल्ड लड़ा है, कैडेट एशिया लड़ा है, कैडेट वर्ल्ड लड़ा है। तो उसमें एक में ब्रॉन्ज आया, बाकी मेरा चार एशिया में मेडल है, एक कैडेट एशिया में, दो जूनियर एशिया में, एक सीनियर एशिया में। अच्छा, बहुत बेहतरीन। आपका क्या कहना है मैसेज? जी एक ही चीज़ कहेंगे कि मतलब अच्छी प्रैक्टिस करिए, जाओ टाइम पे रेस्ट करो, टाइम पे खाओ, और फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, अभी आपको देखने में छोटे लगे, गाँव करें गंभीर, मेरे साथ लक्ष्य है, लक्ष्य क्लियर रहा होगा क्योंकि जब आपको इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजबूत पहलवान है ये भी। लक्ष्य क्या क्या लड़ा? मेरा सीधा सवाल रहता है, स्कूल नेशनल अंडर 15 और कैडेट एशिया। हाँ, तो कहाँ लड़ने गए थे? हंगरी लड़ने गए। हंगरी, हंगरी माने क्या होता है हिंदी में? भूखा। ठीक है, तो कौन सा मेडल मिला? अंडर 15 में सेकंड रहा था, स्कूल नेशनल में फर्स्ट। हाँ, और बाहर हार गया था। कहाँ, कितने समय से प्रैक्टिस करते हो यहाँ पर? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। करण आपको? 13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। नीतिका को 5 साल हुए अभी, है ना? ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज है? आपको देख के लगता है कि भाई कमज़ोर सा पहलवान होगा, लेकिन पहलवान ने तो मजबूत कर रखा है मामला, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि अच्छी मेहनत करो। अगर कोई जिसका शरीर पतला है, थोड़ा सा दुबला है, तो वो पहलवान बनना चाहे तो उसके लिए भी मैसेज दो एक। कुछ नहीं होता ऐसे, तो पतले होते रहते हैं। बता, अच्छी डाइट खाओ, अपने आप शरीर अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो कम वेट में लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पहलवान तो पहलवान होता है भाई, कम वेट का भी होगा, मजबूत वेट का भी होगा। नीतिका से बात हुई, करण से बात हुई, और लक्ष्य से बात हुई। छोटी बात थी लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं बार बार सुल्तान और दंगल की बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई फिल्म देख के हमारी इंस्पिरेशन बन जाती है, लेकिन मुझे जितनी बात अभी हो रही है उसमें एक छोटा सा रोल तो प्ले कर सकती है सुल्तान या दंगल, लेकिन असल में प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अखाड़े में भेज देते हैं जहाँ उनकी हड्डी टूट सकती है, पैर की, हाथ की, या फिर कोई और इंजरी हो सकती है। लेकिन इंजरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जब आपकी उस तरह की ट्रेनिंग और उस तरह की डाइट होती है तो उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। खैर, मैं उसमें ज़्यादा ज्ञान ना दूं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सीधा पेरेंट्स से बात करता हूं, जो इनका एक बच्चा इधर कुश्ती लड़ना सीखने आता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। और क्या, आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चे का नाम शुभम है। तो आपने क्यों भेज दिया उसे अखाड़े में? अभी कितनी साल का है? सर, ये मेरी भी तमन्ना थी और मेरे फैमिली की भी तमन्ना कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा पहलवान बनाऊं। साल कितने का है अभी वो? साल अभी वो 12 साल का। 12 साल का है। 12 साल का बच्चा तो अभी कितने, 6ठी 7वीं में पढ़ता होगा, मैक्सिमम 8वीं में। हाँ, 7वीं क्लास में पढ़ता सर वो। तो आपका कुछ कनेक्शन रहा पहलवानी से पहले? सर, मैंने कुछ दिन की थी पर मैं प्रॉपरली कर नहीं पाया था।
फैमिली में मैटर के उससे, और मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा पहलवान। कई बार जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े दिल्ली में बैठते हैं इधर, वो कहते हैं कि जो हम नहीं कर पाते जीवन में तो उसमें उसका वजन जो अपने बच्चे के ऊपर लाद देते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं क्या आप भी? नहीं नहीं सर, नहीं। आपके बच्चे की पूरी इसमें इच्छा है? जी पूरी रुचि है उसकी पहलवान बनने की, और वो भी चाहता है कि अच्छा पहलवान बनूँ, देश के लिए कुछ करूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं और देश के लिए भी कुछ करूं। आपने कुछ दिन की, पिताजी ने की या और कोई ऐसे रिलेशन में कि जहां से आपको लगता है कि भाई? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं था। एक्चुअली मेरी तमन्ना थी पहलवान बनने की, पर वो फैमिली मैटर में कुछ ऐसा था कि पापा ने नहीं बनने दिया। पर मेरी एक तमन्ना थी कि मैं भी पहलवान, अपने बच्चे को पहलवान बनाऊँ। स्टार्टिंग से मेरी खुद की तमन्ना थी कि मैं अपने बच्चे को पहलवान ही बनाऊँ। अभी चैंपियनशिप हो रही है इधर, है ना, 27-28 तारीख को, उसमें तो क्योंकि आपका भी छोटा बच्चा है उसमें नहीं हिस्सा लेने वाला है, लेकिन जो और बच्चे, कई बार बच्चे मैंने देखा है पेरेंट्स की डरते हैं कि भाई पहलवान, अरे हड्डी पड्डी टूट जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर हम डरेंगे तो आगे कामयाब कैसे होंगे। तो मैं सभी के लिए एक सीख देना चाहता हूँ कि इस गेम के लिए डरना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये गेम ऐसा गेम है, इसमें चोट को तो एक ये समझना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, ये चोट एक गेम है, और चोट एक गहना होता है पहलवान के लिए, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। पहलवान के लिए चोट एक गहना होता है। आपका क्या शुभ नाम बताया? मेरा प्रदीप नाम है सर। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और पेरेंट मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी जो प्रदीप जी थे उन्होंने बताया कि भाई पहलवान का गहना होता है चोट, ऐसा आपका भी मानना है? हाँ, ऐसा मेरा इसलिए मानना है क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, जैसे आप ड्राइवरी करते हो, जैसे आप फर्स्ट टाइम सीखते हो, जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, जब तक आप उसमें प्रॉपर वे तरीके से नहीं सीख पाओगे, यही पहलवानी है। कुछ कारण क्या होता है, कुछ पहलवानों को चोट लग जाती है, वो एक सिंगार तो होता ही है, पर लेकिन किसको कब नहीं पता कब किस टाइम क्या चोट लग जाए। आपको तो चलते फिरते भी लोग पहलवान कह देते होंगे। हाँ, शरीर का डील डोल देख के। मैंने भी पूछा नहीं कि आपने कभी पहलवानी की है या नहीं की है, लेकिन आपको तो गांव में होता नहीं कि अभी जा रहे हैं आप और कोई तगड़ा सा आदमी देखा तो कह दिया कि अरे पहलवान, ये तो पहलवान है। तो आपने कुश्ती में कभी हाथ आजमाया या इस तरह का कुछ इतिहास रहा है आपका? मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, जो मेरी पूरी फैमिली है वो स्पोर्ट्स से बहुत पुराने समय से जुड़ी है। जो हमारे पिताजी है वो कबड्डी के प्लेयर थे, BSF में इंस्पेक्टर थे, और जो छोटे वाला भाई है वो CRPF में है स्पोर्ट्स की वजह से ही। और मैं भी मतलब पहलवानी करता था, पर लेकिन एक अच्छे स्तर तक नहीं पहुंच पाए। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, या तो एक फैमिली कंडीशन हो सकती है, या डाइट प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या बताऊँ उस समय पर मैं उस चीज़ के लायक ना हूँ। आपके बच्चे को ये समस्या नहीं आने वाली है, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे? नहीं, कोशिश तो हम पूरे कर रहे हैं। मेरी लड़की है 9 साल की, अभी उसको प्रैक्टिस करते हुए 1-1.5 साल के करीब हो चुका है, पर लेकिन कोरोना के बीच में उसका बहुत सारा समय खराब हो चुका है। बड़ा नुकसान है इसका, हमें मतलब बहुत दुख है, पर लेकिन जो दैया को सर है वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और बहुत कमाल करते हैं। और मैंने अपनी लड़की के अंदर इतनी प्रोग्रेस देखी है यहाँ पे कि मैं सभी पेरेंट्स से एक ही बात कहता हूँ, सफ़र यह है, ये बहुत लंबा है, इसको छोटा समझ के ना चले, कभी ये सोचे कि 1 साल में 2 साल में बच्चा कामयाब हो जाता है, और बाकी किस्मत है, होने वाला 5वीं में हो जाता है, नहीं होने वाला 10वीं भी नहीं होता। हम माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, हम उनको सहयोग और उनके लिए जो कुछ भी बनता है वो हम करेंगे, बाकी उनकी किस्मत है, वो किस स्तर तक पहुँचते हैं और नहीं पहुँचते हैं वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अभी मैंने एक मैसेज पहले लिया, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं एक्चुअली कि पहलवानी तो गेम जो है उसमें तो जो है बड़ा नुकसान होता है ना, इससे अच्छा तो बैडमिंटन खिला लेंगे। मैं किसी खेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमारा देसी गेम है, और अभी मैं पीछे चर्चा कर रहा था कि सुल्तान फिल्म बन जाती है, दंगल बन जाती है, 400-400 करोड़ का बिजनेस करती हैं, मजबूत पैसे कमाती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि पेरेंट्स इस देश में अपने बच्चे को ना आजकल आराम तलब ज़्यादा बना रहे, क्योंकि कुश्ती तो आराम का खेल ही नहीं है। कुश्ती में तो आपको जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और शरीर के साथ भी कई बार इंजरी हो जाती है, मजबूत इंजरी हो जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इंजरी तो देखो सारे खेलों में हो जाती है, खेल तो सभी एक जैसे होते हैं, किसी में कैस किस तरीके की इंजरी होती है, कुश्ती में इंजरी हो जाती है, वो चोट लगने के कारण इसलिए होते हैं क्योंकि दो पहलवान आपस में एक तरीके से टकराते हैं, तो उसमें इंजरी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, सीधी सीधी फाइट होती है। क्रिकेट में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है, इंजरी किसी भी खेल में आपको किसी भी समय हो सकती है, और ये नहीं पता है कि इंजरी किसको कितनी बड़ी हो सकती है, वो बाकायदा होती है, किस्मत होती है कुछ बच्चों की। और रही आपने एक फिल्म की बात करी थी कि बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे, देखो हम तो एक ही बात बोलते हैं सभी से, पेरेंट्स से बोलते हैं, पहलवान बनना या ना बनना एक अलग बात है,
पर लेकिन आप इस खेल में रह के ना एक संस्कारी जरूर बनते हो। आपने बहुत कमाल की बात है कि आप जैसे दूर से आते हो सभी बच्चे आपसे नमस्ते करते हैं, हम भी यहाँ बैठे रहते हैं सारे बच्चे मतलब पैरों के हाथ लगाते हैं। आप क्रिकेट में गए हो तो शायद ही मतलब ऐसा हो जाएगा, हाय हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअली हमारा गेम नहीं है ना। क्या शुभ नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रदीप शौकीन है। प्रदीप शौकीन जी, क्योंकि हमारा गेम नहीं है क्रिकेट, जो है हमारा गेम नहीं है, अभी हम खेलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है, हो सकती है, लेकिन वहाँ पे हमारी संस्कृति तो उस खेल से जुड़ी होगी जो हमारा खेल होगा। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। थैंक यू। पेरेंट्स से बात कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स से जब भी मैंने दोबारा शुरू की महिलाओं से चर्चा, तो जो पहली महिला हमें मिली उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि माँ का बड़ा योगदान होता है पहलवान बनाने में, तो उन्होंने कहा कि मैं माँ नहीं हूँ, मैं तो दादी हूँ, तो दादी का तो और भी ज़्यादा है। तो दादी जी पहले अपना नाम बताएं। मीना। मीना नाम है आपका। आपका पोता या पोती? पोता। कितने साल है? पोती। ठीक है, 13 साल की अभी। ओके, तो अभी कब से कर रही है इधर नजफगढ़ स्टेडियम में? अभी मार्च में 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो गए हैं, तो अभी कुछ हो जाएंगे। कंपटीशन में हिस्सा लिया अभी एक आध बार? 76 साल गई थी। 76 साल में लिया था एक बार। उसका उसमें कुछ मेडल वेडल जीता था या फिर? थर्ड आई है उसमें। तो कितने साल की अभी बताया आपने? 13 साल। 13 साल की हो गई है। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है? यानी आप वैसे डील डोल तो आपको भी लग रहा है कि मजबूत है, पूरा परिवार ही रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि किसके कहने पर कुश्ती होती है घर में, यानी किसका डिसीजन था कि उसको कुश्ती लड़नी चाहिए? ये डिसीजन तो आपका ही डिसीजन था। तो आपका डिसीजन कहाँ से प्रेरणा आपने ली? जैसे पड़ोसी हैं हमारे जी, वो लेके आते थे अपने बच्चों को जी, तो उनको देखा ना तो भाई कहाँ है ये, मेरे को भी बताओ। उनने बताया फिर मेरे को, फिर मैं लेके आई। आपके परिवार में, आपकी ससुराल में, आपके मायके में कोई पहलवान था? नहीं है, कोई भी नहीं है। अब होने वाला है? हो ही गया अब तो करीब करीब। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो क्या डाइट वगैरह का कैसे ध्यान रखना होता है? क्योंकि देखो हरियाणा का तो कल्चर है, हरियाणा में तो पहलवान होते ही हैं, अभी भी मेडल आते हैं, तो हरियाणा ही सबसे ज़्यादा लेके आ रहा है। हरियाणा का खान पीन वैसे भी मजबूत है, तो बाकियों के लिए डाइट में तो आपका भी योगदान रहता होगा, चूँकि आप, आपकी बहू या आप खुद दोनों में से एक ही करती होंगी, तो डाइट के बारे में क्या कहें? मैं बनावे हैं, लेकिन वही है, बताना तो हमें ही पड़ता है ना। हाँ। ये इतना बादाम देने हैं, इतनी ये चीज़ देनी है, इतनी दही खिलानी है, इतना दूध पिलाना, इतना घी देना है, तो वो तो थोड़ा सा हम ही बताओ। लड़की है, कुश्ती लड़ेगी, तो कुछ अजीब सा नहीं लगता बाकी लोगों को? बिल्कुल भी ना, अब तो लड़कों के साथ लड़कियाँ खूब बढ़िया लड़ रही हैं। हमारी छोरी छोरे से कम है के वाला? मारी छोरी छोरा ना कम नहीं है जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अब मैं थोड़ा सा, आप इधर हो जाएं, मैं उधर हो जाऊं, तो आगे भी बात कर लूँगा। आपका शुभ नाम? जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? जी। आपकी बच्ची बच्चा इधर कुश्ती करता? लड़का। कितने साल का हो गया? 11 साल का जी। 11 साल का हो गया। तो किसका निर्णय था कि कुश्ती लड़नी चाहिए उसे? अभी तो डॉक्टर बनता अपने देश में, तो इंजीनियर बनता, या तो क्रिकेट की बॉल थमा देते हैं, या तो बैट थमा देते हैं, बैडमिंटन का आ जाता है, या फिर ऑनलाइन चलता है कुछ, तो कुश्ती क्यों? जी लड़का स्टेडियम में जाता गाँव में जी, सिलानी गाँव हमारा। अच्छा। तो ये जाता पेरे, इसके साथ के जो लड़के थे वे दिल्ली स्टेडियम में आ गए, बोले मम्मी मेरे पास रोया, बोले मम्मी मेरे साथ के लड़के गई अतिश के पापा यहाँ। तो आपने कहा कि बच्चे जाते थे उसके साथ, तो जी स्टेडियम में आगे जी यहाँ 76 साल में आगे कुछ है, और कुछ और थे स्टेडियम उसमें आगे, ये रोने लग गया, मम्मी मैं एकला रह गया, इसके पापा ते मैं लड़ती, एक मेरा लड़का एकला रह गया, एकला करे यहाँ, और तब बोले भाई लेकर जाऊँगा यहाँ CRP में, इनकी बदली होगी। अब आए हैं जी हम, 5 मार्च में आए थे यहाँ, 6 महीने हुए हैं, फिर यहाँ करने लग गया। तो गेम तो और भी बहुत सारे होते, फिर कुश्ती क्यों चुना? कुश्ती ये इसे ने चुन रखा था, ये जाता स्टेडियम में कड़मा का भाई के घर का हो, बोले मम्मी कुश्ती लड़ू हूँ माँ, ठीक से भाई, फिर जी मैं भी खुश होगी माँ, ठीक से हमारे परिवार में कोई सा पहलवान नहीं है। हाँ, फिर मैं ठीक है, फिर हम यहाँ आ गए। सुल्तान फिल्म देखी थी आपने? सुल्तान भी देखी थी जी, दंगल भी देख रखी है, तो उसे देख के तो लगा होगा कि भाई बढ़िया है, मतलब है, और लड़के की भी इच्छा थी कि मैं कुश्ती लड़ूँ, मैं कहा भाई और देख ले कुछ, नु बोले ना मम्मी कुश्ती ये करूँगा मैं। वैसे सलमान खान पहलवान नहीं है ना, और ना पहलवान को मार सकता है। सलमान खान का खुद का स्टेटमेंट ही है कि जो पहलवानों से मैं लड़ा हूँ अगर वो एक दाव मार दे तो मैं चित हो जाऊँ, लेकिन चूंकि एक्टिंग है तो एक्टिंग में तो भाई फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, जिसको जिताना है, स्क्रिप्टेड है सारी चीज़ें। तो क्या डाइट का कैसे ध्यान रखती हैं आप?
डाइट जी सुबह 4:30 बजे उठना एक ही मना का उनका बनाओ बादाम छोलू और इसको उठा कर इस पानी पुनी पला कर फ्रेश फ्रेश हो यो इतने में और इसकी तैयारी करूँ जूते जाते बैग में डालू इसने सब कुछ करके इसका डाल डूल के इसको तैयार कर फिर इसको लेकर बच्चे के पिताजी किस उसमें सीआरपी में है तो वो तो सुबह निकल जाते होंगे। हाँ सुबह निकल जाए हम नहीं यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं। तो जब भी पहलवान बन जाए क्या नाम आपके बेटे का? अनुज है जी। अनुज है तो अनुज पहले भी एक अनुज पहलवान थे मैं मिला उनसे अनुज चौधरी अभी डीएसपी हैं उत्तर प्रदेश में अर्जुन अवार्डी हैं बहुत मजबूत पहलवान है। तो अर्जुन अनुज जब कल को बन जाएंगे पहलवान तो अनुज सनोफ पिताजी का नाम आ जाता है। हाँ जी, सारी मेहनत जो है वो मम्मी करनी हो रही है तो आना चाहिए मम्मी का नाम भी नहीं जी मम्मी का सारे परिवार का आना चाहिए सब तो बड्डी तक दादी ने कुर्बानी दे रखी है गाँव में आई है मारे की दादी ने बहुत मुश्किल से लाई है गाँव में है बोली किस तरह घर छोड़ देंगे किस तरह डांगर देवेंगे किस तरह के एक ताऊ का बांध का सारे डांगर और घर का धुआं लगा के मैं कहा चलो मात्रा जो जी नहीं लग गया तो उल्टे गाँव में आ जाएंगे पर जी लाग रहेगी दादी का सही। हकीकत में मैं वो केवल मजाक था मेरा हकीकत में ये है कि जब एक किसी घर से कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो किसी भी चीज़ में नाम रोशन करता है तो पूरे परिवार का ही नाम रोशन होता है उसमें सबका केवल एक आदमी का योगदान ना एक आदमी का बलिदान होता है पूरे परिवार का मतलब घर के हर सदस्य का उसमें योगदान और बलिदान रहता है उसके बाद पहलवान बनता है। बात करते हैं आगे गुरुजी का योगदान अभी गुरुजी से चर्चा हुई थी मतलब कमाल की उनकी बिल्कुल उनके बारे में काफ़ी बात गुरुजी के बारे में कोच साहब के बारे में दहिया साहब के बहुत बेहतरीन एनर्जी उनके पास आपका शुभ नाम आपका शुभ नवीन सर आपका नाम नवीन है मैंने पहली बार सुना किसी महिला का नाम नवीन इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गया था मेरा भी नाम अजीब सा ही है जोनी नाम है मेरा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे तो आदत है। आपका बेटा या बेटी इधर बेटी कितने साल की 14 ईयर ईमानदारी से बताना आपकी बेटी को कुश्ती सीखने में दंगल फिल्म का कोई योगदान है या नहीं? योगदान सर तब तो वो इतनी छोटी थी जब वो 6-7 साल पहले आई थी वो दंगल मूवी हाँ। तो देखी है 4-5 बार देखी है ऐसा नहीं है कि उसका ये नहीं है कि कोई इंस्पिरेशन उससे नहीं है इंस्पिरेशन है मतलब स्टार्टिंग की कुछ नहीं है उसमें मतलब इंस्पिरेशन है लेकिन वो मात्र कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कुश्ती वो लड़ रही है उसको देख के ही कुश्ती शुरू करी है ऐसा तो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मैंने फिल्म को अलग कर दिया ठीक है फिर क्यों पहलवान बनना है पहलवान बनना कोई मतलब स्टार्टिंग का डिसीजन था ही नहीं जी। जब ये स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्टेड था तब यहाँ पे आने लगे थे वैसे ही बच्चे घूमने और जैसे नजफगढ़ की अपनी रिहायश नजफगढ़ की है यहाँ पे वैसे ही आ जाते थे घूमने फिरने और ऐसे ही तो इसके पापा थोड़ा सा कॉलेज लेवल पे खेलते थे यही बोलते थे कि खिलाड़ी का बच्चा तो खिलाड़ी ही बनेगा तो बस ना तो ऐसा सोचा था कभी कि कुश्ती में डालेंगे कुछ थोड़ा सा बेटे के लिए आने लगे थे अच्छा। मतलब ये रहती है ना हमारे इंडियन फैमिली हाँ। में कि लड़के को थोड़ा सा लड़की पढ़ लेगी लड़की पढ़ लेगी वो लड़का हाथ पीले हो जाएंगे नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है आजकल बराबर है नहीं पहले तो था चूंकि हम दोनों पहले की बात करते इसलिए मैंने हाथ पीले वाला डायलॉग बोला ऐसी बात नहीं है अब बराबर है लेकिन थोड़ा सा ये रहता है ना कि लड़का मतलब जो ये कुश्ती वाला जो गेम हाँ, है हाँ वो कर लेगा बाकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो सोच रहे थे कि वो पढ़ाई कर ले लेकिन उसने फेंक दिया झंडा अच्छा, और बेटी अच्छा बेटी कर रही है ओके ओके मतलब इसके साथ भी यही हुआ है मैं बाद में बताऊंगा आपको खैर अभी फिर एक मेरा सवाल आता है कि भाई एक तो आपने पहले ही बोल दिया कि पढ़ाई में अच्छी है तो इसका कोई विशेष प्रभाव उधर कुप्रभाव नहीं पड़ता है गलत प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसमें जो टाइम जाता है तो उधर क्योंकि मैंने पढ़ी थी एक कहावत थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं है डाइट जी बच्चे का माइंड तेज है तभी वो इतनी सारी टेक्निक होती है इसमें हाँ सीरियसली मैं देख रहा था हाँ अगर उसके पास माइंड होगा तभी वो टेक्निक पे वो करेगा ना फोकस कर पाएगा अगर है ही नहीं उसके पास कुछ तो वो बच्चे दोनों उसमें तेज हैं यहाँ के सारे ही बच्चे सारे बच्चे अभी हाँ पढ़ते भी अच्छे हैं और खेलते भी अच्छे हैं शहर में रहते हैं तो शहर का जो मसला है जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ और वहाँ पे गाय रखना अलाउड नहीं है है ना तो दूध तो मोल का लेना होता है ना तो उसमें क्या होता है कि कैसा दे रहा है तो वो तो उसे ही पता है या भगवान को पता है ठीक है और दूध के बारे में कहावत और होती है कि जब भैंस के नीचे से आया और जब तक चूल्हे पे रखा गया तब तक उसमें कितनी बार पानी डल सकता है
किसी की कोई गारंटी नहीं है, तो डाइट का ध्यान कैसे रखते हैं फिर? डाइट का ध्यान सर, एक तो जैसे आप वाली बात है वो बोल के आना पड़ता है, भाई पहलवानी कर रहे हैं दूध अच्छा दे दियो चाहे 2 रुपए ज्यादा ले लियो बस ज्यादा पे करना पड़ रहा है थोड़ा सा भाई बच्चे का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है, अगर मतलब मजबूत खेल है तो मजबूत खाना भी चाहिए मजबूत खाना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, आपका शुभ नाम। नमस्कार, मेरा सुनीता। सुनीता जी, आपका बच्चा बच्ची? दोनों, लड़का भी लड़की, दो दो पहलवान। मेरा तो पूरा परिवार ही पहलवान है। आपका पूरा परिवार पहलवान है? ससुर भी पहलवान है। आप सबके नाम भी बताते चले साथ के साथ। हाँ जी, भगवान सिंह इसके दादा का नाम है, उसके 4 बेटे हैं, चारों पहलवान हैं। ओके। भगत, हाँ, हनुमान, हाँ, फिर मतलब मेरे हस्बैंड है सूरजमल। अच्छा। फिर धर्मवीर, और मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स से ही हैं, CRPF में ऑफिसर हैं। अच्छा। हाँ, पहलवान से पहलवान ही है वो भी। कौन था डायरेक्टर दंगल का? कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन दंगल के डायरेक्टर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, स्टोरी और भी है, फिल्म बना सकते हो, बढ़िया बनेगी और हिट है तगड़ी। तो आपको तो कुछ सवाल बहुत सारे हो सकते हैं और जवाब आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आपकी तो परंपरा रही है, पूरे परिवार उसमें अगर है तो। प्रेरणा भी मैं नहीं पूछ सकता कि कहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि सारे पहलवान किधर से भी ले लो चारों तरफ प्रेरणाएँ घूम रही हैं। तो ये कुछ प्रेशर था बच्चे के ऊपर कि भाई और पहलवान है तो वो तो लेके चलना पड़ेगा झंडा, जैसे अभी मैम ने बताया कि भाई झंडा उसने बच्चे ने लड़के ने छोड़ा, लड़की ने उसे पकड़ लिया। तो आपके परिवार में कुछ ऐसा प्रेशर रहता बच्चे के ऊपर कि भाई पहलवान थे तो उस परंपरा को आगे लेके चलना? नहीं सर, बेटा बाद में लगाया है, अभी जैसे दूसरा लॉकडाउन लगाया है इसके बाद, बेटी को 5 साल हो गए। अच्छा। बेटी मतलब स्कूल नेशनल में 3 बार, जो नीति का है। अच्छा, नीति का से मेरी बात। हाँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। स्कूल नेशनल में 3 बार लगातार, अंडर 14 में 2 बार। नीति का तो बाहर भी हंगरी लड़के आई। हाँ, है ना, उसके इंजरी हो गई थी सेमीफाइनल में। हाँ, तो हमने तो यहाँ दादी ने भी सब ने तैयारी कर ली थी मिठाई की। अच्छा। लेकिन सेमीफाइनल में चोट लग गई तो फिर बैठ गई। बात नहीं, मिठाई देखो, चोट वोट तो अभी किसी ने बताया, मुझे नया डायलॉग मिला एक्चुअली कि कुश्ती में चोट या इंजरी गहना है, है ना। भी बोलते हैं कि पहलवान का गहना है, चोट तो लगती रहती है। तो बेटी को 5 साल हो गए, कभी कहीं बोलेगी मम्मी यहाँ चोट लग गई, कभी कहीं लगेगी, तो ऐसे ही माँ का जो, हाँ, दर्द तो होता है। मैं करती हूँ सारा, इसके पापा तो बाहर नौकरी करते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में हैं, तो अच्छा। हाँ, तो उनसे पूछती रहती हूँ, फिर सुबह लाना ले जाना सब कुछ मैं ही करती हूँ। नहीं, अभी मैं देखता हूँ आमतौर पे महिलाओं से मिलता हूँ मैं अपने घर में भी। अच्छा। स्कूटी पे लेके आती थी, फिर यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कंधा टूट गया मेरा। अच्छा। इसमें रोड डल गई, फिर स्कूटी चलाते डर लग रहा है अभी, फिर गाड़ी सीखी दोनों। अच्छा। बच्चों के लिए। अच्छा। बेटा लंबा है तो उसके जैसे पैर आगे आ जाए तो मैं गिरन का भय ज्यादा रहे, तो मैंने गाड़ी, वही बात है, बुढ़ापे में सीखनी पड़ी है। अभी नहीं, पहलवान बूढ़ा नहीं होता, पहलवान के परिवार में। अब देखो मामला क्या है, बुढ़े कैसे हो जाएंगे भाई। बात यह है कि अगर मैं नमक कम खाऊंगा तो मेरा बच्चा नमक कम खाएगा ना, तो पूरा परिवार वही खाएगा। उसमें थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डाइट तो करीब करीब सबकी सेम ही रहती है। तो ऐसे तो हमारे परिवार है नहीं कि भाई किसी के लिए कुछ होएगा तो किसी के लिए कुछ होएगा। हमारे यहाँ तो भिगोना चाटने से ही मजबूत हो जाते हैं, है ना, लास्ट में। तो भिगोना भी तो होना चाहिए ना चाटने के लिए, कुछ ऐसे ही थोड़ी चाट लेंगे भिगोना। नहीं तो जो है कोई प्रेशर नहीं था, ईमानदारी से आप बताना, दोनों बच्चों में किसी पर कोई प्रेशर नहीं था, अपनी मर्जी से वो आए। हाँ, अपनी मर्जी से। बेटी पहले चेस खेलती थी। अच्छा। नेशनल तक गई थी। अच्छा। हाँ, बेटी बहुत पढ़ाई में भी होशियार है और गेम में भी। अच्छा। फिर मैंने ही बोला था, मैं बेटी अपने घर में सारे पहलवान हैं, इसके पापा को तो शुरू से ही मतलब पहलवानी अच्छी लगती है। बोला कि चेस के बारे में हमें तो पता नहीं, भाई ठीक है जैसे घर में खेलते हैं वैसे खेल लेंगे। फिर एक कोच से बात करी, उसने 26,000 रुपये महीने के। अच्छा। बोला कि भाई कोचिंग 1 घंटे दूंगा। फिर मैं बोली बेटी अपने घर में हर जगह जाओगे वहीं कोच मिलेगा। हाँ, सीरियसली। हाँ, तो 10 दिमाग में से 4 भी बात आएंगी, 1 तेरा दिमाग, तो 5 बात काम आऊंगी। तो अर्जुन था ना, अभिमन्यु था, तो गर्भ में सीख लिया था आधा चक्रव्यूह तोड़ना। तो अनुवांशिक बहुत बड़ी चीजें होती हैं, जहाँ हर चारों तरफ पहलवान ही घूम रहे हैं, तो कहीं से कुछ भी। प्रेग्नेंट थी तब, इसके पापा करते थे तो मैं उनको देखती रहती थी। उसका होता है साइंस है पूरी। हाँ, तो मैं देखती रहती थी इसको। तो फिर बेटी ने जैसे शुरू में तो दिक्कत हुई, तो ऐसे ही
करती थी बेटा उठ ले इतनी, इतनी ये मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे, इसी ने पता नहीं किसके पास आ रहे हो ठीक है किधर से दाव लग जाए इन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी। जी कंटिन्यू करें। तो ऐसे ही उठने लगी, फिर इसका एक साल में गोल्ड मेडल आ गया अंडर 14 में, एक ही साल हुआ था। फिर ऐसे करती रही, फिर जैसे सुबह नहीं उठती तो मैं बोलती हूँ एक साल पे पानी फिर जाएगा बेटा उठ ले तो ऐसे करके, और बेटी लग गई, अभी बेटा लगाया है। पहले तो उसने नहीं की, फिर उसको बताया भाई देख ले, तो वो पढ़ाई में भी काम चलाऊ है ठीक है। फिर हाइट उसकी 6 फुट से बड़ा लंबा हो गया, 6 फुट 3 इंच है उसकी। तो इसके पापा ने बोला कि भाई अच्छा पहलवान बनेगा, 100 किलो से ऊपर हो जाएगा, इतनी पढ़ाई पर ध्यान जरूरी नहीं है देना, तो अच्छा पहलवान बन जाए। तो अब वो भी अब 8-9 महीने से अच्छी पहलवान, अच्छी मतलब प्रैक्टिस कर रहा। लेकिन नीतिका का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन है, और जो चुराया हुआ डायलॉग हमारा उधर मुंबई में जाके बोल दिया, बड़ा हिट हुआ, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, नीतिका तो वो करके ही दिखा रही है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि काय को छोरे कम, काय को छोरियाँ कम, सब गुरुजी करवाते हैं। तो मैं वीडियो बना लेती हूँ बेटी की, पहले तो मैं अकेली आती थी, आंटी ये बाद में आने लगी, मैं अकेली लेडीज थी यहाँ। तो पूरा ग्रुप, हाँ, ग्रुप हो गया। तो चुगली उगली करने का मौका मिल जाता है? नहीं हो जा सर, पर लेकिन है ना बच्चे वहाँ से देखते रहेंगे, बोले आज मजा आ रहा है मम्मियों को। तो फिर मैं जैसे यहाँ से वीडियो बनाया, फिर इसके पापा के पास भेजती थी, हाँ, फिर इसके पापा देख के जो गलती होती थी वो वहीं फ़ोन पर जैसे मतलब वीडियो कॉल करके बताते थे, बेटे को साथ लेके बहन भाई दोनों करते थे। तो इससे करके मतलब जो लास्ट का सेंटेंस था ना वो महावीर वाली स्टोरी चल रही है एक्चुअली, जो दंगल फिल्म में, तो कोच था, कोच भी बताते थे, फिर महावीर, चूंकि महावीर जन्म से सिखाया ना महावीर ने, आपने दंगल फिल्म देखी होगी, तो बाद में फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर उसकी भी ना कहीं ना कहीं। मैं हाँ गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ इनको मतलब इस हिसाब से मैं अपनी बेटी को गुरुजी के साथ कहीं भी भेज सकती हूँ। हाँ, क्योंकि एक विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। तो गुरुजी पे हमें पूरा भरोसा है कि भाई माँ की तरह बाप की तरह बच्चे की देखभाल करता है। जैसे बाहर गई तो इसको चोट लग गई थी, तो हमें कोई चिंता नहीं हुई। मैं तो वैसे भी फोन करके एक बार तो रोने लगी, गुरुजी बोला बहन जी आपसे बड़ी मेरी बेटी है आपसे पहले, हाँ, तो सारी देखभाल वहीं गुरुजी ने की। तो अगर गुरुजी आना होते तो मेरी बेटी भी यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि इसके पापा तो क्या बताएंगे, दो गलती बता देंगे, तीन बता देंगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने तो सब कुछ होता है, इधर ट्रेनिंग होती है, गलतियां होती, लेकिन सुधारी जाती हैं। गुरुजी से अगर 10 बार पूछो तो 10 बार बताते हैं, बाद में पूछो तो बाद में बताते हैं। फिर थोड़ा बहुत मैंने यूं लगा तो मैं इसके पापा के पास भेज देती हूँ। तो अभी आएंगे 20 तारीख को, अभी बेटे की ट्रायल है मतलब 27-28 तारीख को, तो उस हिसाब से छुट्टी लेते हैं, गेम कब है तो उसी हिसाब से छुट्टी लेना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समा महिलाओं से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, लेकिन सही बात यह है कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो कहता है ना कि काके लागू पाए बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, वो वाली कहानी है। सबका अपना योगदान है, गुरु का है, पिता का है, माता का है, भाई का है, बहन का है। जो गाय बंधी है ना या तो नहीं बंधी है उसका भी योगदान है, उस दूध का भी है और उस बर्तन का भी है। बर्तन के भी तो साइज बड़े छोटे होते ना, तो डाइट उसके हिसाब से ही होती है। हम ले आएंगे बच्चों को तो गुरुजी का पूरा सहयोग है, अगर हम नहीं लेके आएंगे तो गुरुजी क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। द मीडिया वाले चैनल के लिए मैं जोनी त्यागी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।